हेलो जी, मेरा नाम है आयुष एंड आई होप आप सब बहुत खुश होंगे अपनी लाइफ में और कुछ बहुत बड़ा कर रहे होंगे या फिर करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे क्या हमें बर्ड्स के ये विंग्स काटने चाहिए या फिर नहीं। इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम बर्ड्स के विंग्स को क्यों ट्रिम करते हैं। सबसे पहला रीज़न ये सीलिंग फ़ैन, हम नहीं चाहते कि हमारा बर्ड इसमें टकरा करके घायल हो या फिर उसे चोट लगे। एंड बिलीव मी देर आर सो मैनी स्टोरीज़ कि लोगों के पास बर्ड थी, सब कुछ अच्छा था, बट गलती से वो फ़ैन से टकराई, फुल स्पीड में फ़ैन चला था, फ़ैन से टकराई और उनके पैर टूट गए या फिर उनके नेक पे लग गई या फिर उनके ये जो चेस्ट वाला पार्ट होता है वहाँ पे लग गई। कई बार ब्लीडिंग होती है बर्ड के, कई बार नहीं होती, कई बार इंटरनल ब्लीडिंग से बर्ड मर जाती है, कई बार जब बर्ड एकदम तेज फैन की स्पीड से टकराती है और गिरती है तो वो शॉक में मर जाती है कि मतलब उसको वो एक्चुअल में कोई चोट उतनी ऑब्वियसली चोट तो लगी ही होगी जब फैन से टकराई है, बट वो शॉक में आ जाती है बर्ड। और बर्ड जब शॉक में आती है तो बर्ड बहुत जल्दी मरती है, रिकवर नहीं कर पाती। सेकेंड मेन रीज़न होता है कि हमारे गेट शेट सब खुले होते हैं और हमारी बर्ड गेट से ना चली जाए या फिर खिड़की से ना चली जाए बाहर। हमें भी पता है कि बर्ड अगर हमारी बाहर गई एक बार तो वापस नहीं आती, बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि बर्ड वापस आ जाए। यूजुअली बर्ड चली गई तो चली गई, तो वो बर्ड बाहर ना जाए इस वजह से भी हम बर्ड्स के विंग्स को ट्रिम करते हैं, क्योंकि बर्ड लंबी फ्लाइट नहीं ले पाएगा, नीचे थोड़ा बहुत भाग लेगा, उड़ लेगा, या फिर अगर सपोज़ यहाँ से थ्रू मतलब लैंड फ्लाई कर सकता है, वो नॉट लैंड फ्लाई बट आप समझ गए होंगे, ऐसे उतरते वक्त बर्ड फ्लाई कर सकता है, इतनी ही फ्लाइट होती है उनकी। बट हाँ, एक और रीज़न ये होता है कि जब सपोज़ हम बर्ड को लेके आए हैं शॉप से तो बर्ड यूजुअली भागता है, बहुत स्केयरी होता है, तो जैसे अभी वॉल से टकरा सकता है वो, खिड़कियों से टकरा सकता है बर्ड, क्योंकि बर्ड में दिमाग होता है बट उनके पास आइडिया नहीं होता उन्हें कहाँ लैंड कहाँ करना है, तो बर्ड जब नई स्पेस में आती है तो इधर उधर टकराती हैं, तो इस वजह से भी लोग बर्ड्स के विंग्स को ट्रिम करते हैं। बट द थिंग इज कि क्या हमें उन्हें ट्रिम करना भी चाहिए या नहीं। सो ऑब्वियसली अगर आप मेरी राय लेंगे, अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहेंगे इस चीज़ में, तो मैं स्टार्टिंग में मेरे को आइडिया नहीं था ना, मैं इतना सोच पाता था कि हमें बर्ड्स के विंग्स को ट्रिम करना भी चाहिए नहीं, तो मैंने कई बार किए हैं अपने, मतलब इनिशियल जो मेरा फर्स्ट बर्ड था उसके मैंने हल्के हल्के ट्रिम किए थे, जो कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। यूजुअली हमें बर्ड के विंग्स को ट्रिम नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, चाहे वो आप कितने भी फिल्टर्स लगा लें कि आप बर्ड को उड़ने से बचाने के लिए उसके विंग्स को ट्रिम कर रहे हैं, फ़ैन से टकराने मतलब फ़ैन से ना टकराए इस वजह से बर्ड के विंग्स को ट्रिम कर रहे हैं, बट वो सही चीज़ नहीं है। बर्ड के विंग्स को हमें कभी भी ट्रिम नहीं करना चाहिए। आप उसके ऑल्टरनेट सोच सकते हैं, अगर सपोज़ आप बर्ड को फ़ैन से टकराने के लिए बचाने के लिए बर्ड को के विंग्स को ट्रिम करें तो फ़ैन बंद कर दो, विंग्स ट्रिम करना ज़रूरी नहीं है, मतलब नहीं टकराएगा वो बर्ड, टकराएगा भी तो कुछ नहीं होगा, फ़ैन बंद है। बर्ड को अगर आपको बाहर जाने से रोकना है तो सी मैं हमेशा डोर्स, रोशनदान, बड़ी खिड़कियां सब बंद करके बर्ड को खोलता हूँ। और सिर्फ यही नहीं, हमारी जो बाहर बालकनी का डोर है वो भी अभी बंद होगा, जबकि मुझे पता है बर्ड यहाँ से बाहर नहीं जाएगा उसके बाद भी। उसके अलावा मैंने बालकनी में भी वो एक नेट सी लगा रखी है, बर्ड नेट आते हैं वो अमेज़ॉन वगैरह पर, आप देख सकते हैं, आप वो लगा सकते हैं, उससे भी बर्ड आपकी बाहर जाने से बच जाएगी। उसके अलावा अगर आप बर्ड को दीवारों से टकराने के लिए, यूजुअली जब हम बर्ड नहीं लाते तो दीवारों से टकराने के लिए मैंने क्या कर रखा है, मैंने ये लॉन्ग कर्टन यूज़ कर रखा है कि बर्ड कभी भी कोई नहीं होती है फिर उसको लैंडिंग स्पेस नहीं मिलता तो उससे चिपक जाती है। इसके अलावा जब मैं कभी भी नई बर्ड लाता हूँ, मेरे पास अभी तो नीचे है, ऊपर मैंने बहुत सारे प्लांट्स रख रखे हैं, वो प्लांट भी नहीं है, वो एक्चुअली में सिर्फ स्टेम्स हैं, तो वो बहुत सारी स्टेम्स हैं वो लाइन से रख दो कि बर्ड जब उड़ती है तो उसके पास एक लैंडिंग स्पेस होना चाहिए। बर्ड क्यों टकराती है, क्योंकि उसके पास लैंडिंग स्पेस नहीं होता। अब जब ये उड़ेंगे और इन्हें पता होगा कि फ्रेम में आ रहे ना यहाँ, अगर ये उड़ेंगे और इन्हें आइडिया होगा कि कहाँ बैठना है तो ये क्यों टकराएंगे दीवारों से या फिर खिड़कियों से। खिड़कियों से तो टकरा सकते हैं अगर ट्रांसपेरेंट है तो, बट वॉल से नहीं टकराएंगे ये। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं, विंग्स ट्रिम करना भी अगेन इससे बेटर ऑप्शन यही है कि हम इन्हें लैंडिंग स्पेस दे दें। उसके अलावा बर्ड को बाहर जाने से कैसे बचाना है, हाँ, डोर्स वगैरह बंद कर दो, फ़ैन से बचाने के लिए फ़ैन बंद कर दो, और
और हाँ, और अगर आप बर्ड को रूम में या फिर हॉल में खोल रहे हैं तो उनके पास लैंडिंग स्पेस होना चाहिए। आप केज रख सकते हो उनका, और कुछ कर्टन्स लगा सकते हो एक्स्ट्रा। उसके अलावा आप जो ट्रीज़ के ब्रांचेस वगैरह होती हैं वो जगह 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 आप लगा सकते हो कि वो वहाँ पर जा कर के फ्लाई करके बैठ सकें। उसके अलावा अगर आप बॉन्डिंग के लिए बर्ड के विंग्स को ट्रिम कर रहे हो तो उससे बेटर ऑप्शन है कि आप धीरे धीरे टाइम इन्वेस्ट करो अपने बर्ड के साथ, तो भी वो बॉन्ड क्रिएट होता है और बर्ड हमेशा उड़ते हुए अच्छे लगते हैं। जैसे जैसे अभी ये उड़, मतलब ऑब्वियसली यार, मतलब बर्ड्स बिना विंग्स के कैसे लगेंगे, मतलब अगर ये उड़ेंगे ही नहीं तो कैसे लगेंगे। और एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, सपोज़ आपके पास बर्ड है तो बर्ड में भी ओबेसिटी का इशू होता है। ऐसा नहीं है कि इन्हें मोटापा नहीं होता, इन्हें भी मोटापा होता है, बट इन्हें मोटापा से बचाने के लिए क्या कर सकते हो आप, तो इनकी एक्टिविटीज़ बढ़ा सकते हो। एक्टिविटीज़ ये कब करेंगे, जब ये उड़ेंगे। इनकी एक्टिविटीज़ मोस्टली फ्लाइंग एक्टिविटीज़ होती हैं। तो अगर आपके बर्ड, क्योंकि हम यूजुअली घर में, एक तो वैसे हमारे घरों में इतना फ्लाइंग स्पेस नहीं होता, मतलब अगर ये 20-30 फीट के 30 फीट के एक राउंड सर्कल में कितना ही स्पेस होगा जितना एज़ कम्पेयर टू वाइल्ड। बाहर तो बहुत उड़ते हैं, बट अगर ये घर में जितना भी 20-30 फीट उड़ते हैं, एक दो घंटे तीन घंटे जब तक भी हम खोल के रखते हैं इन्हें, अगर हम इसे वो वाली उड़ान भी ले लेंगे तो फिर वो मज़ा नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आपके कई बार हमें ऐसा होता है कि हमारा बर्ड या हमारी पेट हमारे पास ही रहे, कि हम बुक पढ़ रहे हैं तो हमारे साथ है, या फिर अगर हम लैपटॉप में कुछ काम कर रहे हैं तो हमारे साथ, अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बर्ड सिर्फ इस टेबल पर बैठी रहे और मैं लैपटॉप में काम कर रहा हूँ, तो उसके लिए हम बर्ड के विंग्स को ट्रिम कर देंगे ताकि बर्ड हमारे आसपास ही रहे। बट अगर हमें ऐसा कुछ चाहिए तो हम उस टाइप, मतलब उस टाइप का पेट भी तो रख सकते हैं। हम हैमस्टर रख सकते हैं, हम गिनी पिग रख सकते हैं, ऐसी चीज़ जो नीचे ही रहती है, रोडेंट टाइप। तो हम अगर बर्ड ले रहे हैं तो बर्ड तो हम ले ही इसलिए रहे हैं क्योंकि इनके विंग्स होते हैं, ये उड़ सकते हैं, इनकी ब्यूटी ही इनके विंग्स हैं। तो इन्हें मेरे ओपिनियन में तो नहीं काटना चाहिए, बट काटने के लोग, जो जो मैंने रीजंस बताए वो उन रीजंस के वजह से लोग बर्ड्स के विंग्स को काटते हैं। तो आप कोशिश करिए कि बर्ड के विंग्स को ना काटिए। मतलब ये उड़ते हुए सी अभी उड़ेंगे, इन्हें बेइज्जती भी तो करनी है मेरी, वैसे उड़ते रहेंगे। बट सी, इनकी ब्यूटी ही इनकी विंग्स हैं और ये उड़ते हुए अच्छे लगते हैं। सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। अगर आपके पास भी बर्ड है तो आप उसे प्लीज़ उसके विंग्स को तो एटलीस्ट मत काटिए, किसी भी रीजन से विंग्स को मत काटिए। वैसे भी मतलब सी, एक गिल्ट हो जाता है अपने अंदर ही कि हमने बर्ड के विंग्स को काट दिया। हालांकि इट्स लाइक जैसे हम बाल काटते हैं वैसे इनके वो फ्लाइंग विद फेदर होते हैं, बट अगेन हमें नहीं काटना चाहिए बर्ड के विंग्स को। ये उड़ते हुए खेलते वैसे अच्छे लगते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।